इस समय मैं पंचकुला विधानसभा की इंदिरा कॉलोनी के अंदर खड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ से जनता की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहूँगा कि जो अभी 21 तारीख को वोट डलनी है हरियाणा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें उसको लेकर लोगों का रुझान क्या है और लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी सुंदरलाल है। सुंदरलाल जी, अभी एक दिन बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और 21 तारीख को वोट पोल होनी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप अभी जो विधायक रहे, आप अपने विधायक से क्या संतुष्ट हैं? हाँ जी, देखो विधायक जी ने कोई कमी तो छोड़ी नहीं है साहब। अगर हम आधी रात को बुलाते हैं तो हमारे एकदम काम आते हैं विधायक जी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह भी जाती हैं, वो मिल बांट के हम लोग बातचीत कर लेते हैं। लेकिन हमारे विधायक जी अच्छे आदमी हैं, बहुत शीलता वाले आदमी हैं, जैसे कहो वैसे अगले उसी हिसाब से चलते हैं, ऐसी तो कोई अभी तक दिक्कत आई नहीं जी। आपको इंदिरा कॉलोनी के अंदर ऐसी कौन सी समस्या लग रही है जिसको आने वाले समय में विधायक द्वारा पूरा किया जा सके? देखो जी, हमारी गलियों में, हमारी गलियां की बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, नालियों की समस्याएं थी, और ये विधायक जी ने हमारी गलियों और नालियों की समस्या कम क्या ना के बराबर अब कर दी है, ख़त्म कर दी है। यानी कि अब काम बहुत दिन से चालू हो रहा है, ये गलियां हैं थोड़ी छोटी छोटी बड़ियां सारी बन रही हैं धीरे धीरे, अंदर कमी तो कोई हमें इस हिसाब से दिखती नहीं है। हाँ जी, उसमें थे हमारे बिजली के बिलों में प्रॉब्लम थी, वो अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कम कर दिए हैं कि आधे रेट कर दिए हैं, अभी तो हमें इस सरकार में कोई कमी तो दिख नहीं रही है। हमारे साथ एक महिला है, मैं सबसे पहले तो मैं उनका नाम जानना चाहूँगा। बहन जी, आप अपना नाम बताएं। कृष्णा। कृष्णा जी, आपको जो भी 21 तारीख को वोट डलनी है, आपको क्या लगता है क्या माहौल है, और जो पूर्व में विधायक रहे उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं या नहीं, इस बारे में जानकारी बताएं। जी, बहुत अच्छी सरकार है, रोड बना रही है, पानी की सुविधा है, हर एक चीज़ की सुविधा है जी। हमारे लिए तो सरकार बढ़िया है, तो हमें तो कोई खराब भी नहीं लगी, अच्छी है। हरियाणा में भी अच्छी हो रही है, रोड बन गए हैं, गलियां पक्की हो रही है, और क्या चाहिए, ठीक है, बढ़िया। जिस तरह से केंद्र की सरकार की जो स्कीम है, चाहे वो शौचालय से रिलेटेड है या कोई और है, क्या आपको वो सारी सुविधाएं मिली है, क्या आप किसी सुविधाओं से वंचित तो नहीं है? नहीं नहीं जी, बढ़िया है सरकार, बढ़िया, हमारे गरीबों का तो भला ही हो रहा है, अच्छी बात है, हम तो आगे भी चाहेंगे कि हमारी सरकार बने। आए हमारे साथ एक महिला और है, मैं उनका नाम जानना चाहूँगा। बहन जी, आप रीता नाम है। रीता जी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी 21 तारीख को यहाँ पर पंचकुला विधानसभा की वोट डलनी है, और अभी आपकी अपनी मांग क्या है, या आप सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं, या आपकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में आप बताएं। सरकार तो बहुत बढ़िया है, सरकार जो 70 साल से कांग्रेस वाले ने करा, 5 साल में बीजेपी वाले ने करके दिखाया मोदी ने, इससे अच्छा सरकार कोई हो ही नहीं सकता है। बहुत काम करा, कर रहे हैं अभी सरकार काम। आजकल जिस तरह से नशे की स्थिति पर पूरे देश में चर्चा है कि नशे को कंट्रोल किया जाए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में किसी प्रकार का नशे का बढ़ता हुआ कारोबार तो यहाँ नहीं चल रहा? नशा तो बहुत चल रहा कॉलोनी में, कॉलोनी के बस नशा छोड़ा दे कॉलोनी में करना, दारू बेच रहे गली गली में, ये नहीं सरकार बंद कर पा रहे हैं यहाँ के, और यहाँ के पुलिस बदल दो और सरकार को बोलो बदले, और क्या बोलते हैं जो वहाँ पर राशन कार्ड दफ्तर है पहले का कांग्रेस वाला, वो क्या बोलते लामा और वो बैठा है, क्या क्या नाम है उसके लामा, और में से दो बंदे हैं राशन कार्ड दफ्तर में, वो बीजेपी वाले जितने बंदे हैं किसी काम नहीं कर रहे हैं, वो राशन कार्ड के काम के लिए जाते फेंक देता, वो जितने राशन कार्ड के दफ्तर में पुराने ऑफिसर बैठा उसको बदलने को बोलो सरकार के। मैं मंगतराम गोयल बोल रहा हूँ जी, राजीव कॉलोनी से। तो यहाँ जो माहौल है
बीजेपी का अच्छा माहौल है। हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ से चुनाव का टिकट मिला था बीजेपी का, अच्छी लहर है, अच्छा पोजीशन है इनकी। तो मैं दुकानदार हूँ यहाँ राजू कॉलोनी से, मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी से हमारे दुकानदारों की जो समस्याएं हैं और समस्याएं दूर करें। आपके मुद्दे क्या क्या हैं, आप यहाँ राजीव कॉलोनी निवासियों के क्या क्या मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे जो आप आने वाले विधायक से हल करवाना चाहते हैं? मुख्य मुद्दे यही है जी, हमारे दुकानदार है जो कम से कम 500 दुकानदार हैं राजीव कॉलोनी के अंदर रोड के ऊपर, हमारे को निश्चिंत यहाँ कॉलोनी के बारे में जो प्लाट है गवर्नमेंट दे रही है बना के, हमारे दुकानदारों को भी कोई छोटे मोटी चौकी झोपड़ी का जो प्लाट है लाट किया जाए, जो कि अपना रोजगार चला सकें, अच्छे पैसे लगा रखे हैं दुकानदारों ने, उनके पैसे बेकार ना जाए, माल खराब ना हो, इनको भी निश्चिंत रूप से सच्चाई रूप से इनको जगह दी जाए। पिछले 4 विधानसभा से आपको हर बार आश्वासन दिया जाता है कि आपको प्लाट दिए जाएंगे, क्या इस बार आपको सरकार से उम्मीद है कि आपको प्लाट मिलेंगे? हमें पूरी उम्मीद है अब की बार कि 2 मरला का जो प्लाट कह रही है गवर्नमेंट, मकान बनने शुरू हो चुके हैं, पूरी उम्मीद है हमें भाजपा से कि प्लाट के बाद मिलेंगे, जरूर मिलेंगे पब्लिक को, दिए जाएंगे। मकानों के अलावा आपका मंगल जी इसके अलावा और क्या मुद्दा है यहाँ पर विशेष तौर से? मुद्दा सबसे बड़ा जी बिजली के जो बिल हैं, स्थायी रूप से इनके बदल जाए, चेंज किए जाए, जो बैठा है उसी के नाम से बिजली का बिल आना चाहिए। कुछ गलियों में जो टैलें लगनी शुरू हो चुकी हैं, पानी के कनेक्शन भी जो हर दुकानदार हर कॉलोनी में पहुंचना चाहिए। जो इसमें मेन बात यह है कि जो बीच में दलाल बैठे हैं जो खा जाते हैं, पब्लिक तक नहीं पहुँच पाता कुछ भी सामान, जैसे पानी के कनेक्शन हैं, बिल हैं, पब्लिक तक नहीं पहुँच पाते। हमारे तो यही उम्मीद है आने वाले MLA से भी, विधानसभा से भी पब्लिक को हर प्रकार की सुविधा दी जाए। यहाँ के जो प्रधान हैं मार्केट के, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि पंचकुला विधानसभा चुनाव के अंदर इस समय क्या माहौल है और अभी आने वाले 2-3 दिन बाद किसका माहौल है, इसके बारे में जानना चाहूँगा आप अपने नाम के साथ। अजय, मैं नरसिंह भगत जैन। तो बीजेपी का यहाँ पर माहौल है जी ठीक, काम भी बढ़िया करा है बीजेपी ने, ऐसी बात नहीं है। बाकी थोड़ी समस्या है यहाँ पर कॉलोनी में, भाई प्लाट प्लूट अलाटमेंट कर दे यहाँ की प्लाटों की, तो लोगों को और सहूलत मिले। बाकी ज्ञानचंद गुप्ता जी ने यहाँ पर सहूलतों तो दी है, गलियाँ पक्की करवाई है और काफ़ी काम करवाए इन्होंने, तो हमारा तो यही निवेदन है जी। अभी जैसे पिछली बार 4 बार से लगातार पीछे MLA रहा, विधायक रहा और डिप्टी CM रहा कांग्रेस का, जो इस समय विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं भाई चंद्रमोहन जी जो कांग्रेस से, आपको क्या लगता है कि वो किस बात को लेकर आपके बीच में आ रहे हैं? ऐसे है जी, पहले जो चंद्रमोहन फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में 95-96 में लड़ा था यहाँ से, उस टाइम चौधरी भजनलाल जी ने कहा था भाई मैं 2-2 मरले के प्लाट दूंगा। उसके बाद मेरे हिसाब से 3-4 दफ़ा चंद्रमोहन जीत चुका। आज तक तो हमने कोई प्लाट नहीं सुना कहीं भाई कटा है या कुछ और कॉलोनी का कोई सुधार हुआ है, हमने तो ऐसी कोई बात सुनी नहीं आज तक। तो चंद्रमोहन जी को किस हिसाब से वोट दें समझ से परे है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि महिलाओं को अपने आने वाले विधायक से क्या उम्मीद है और क्या अपेक्षाएं करती हैं और उनको अपने क्षेत्र में किस प्रकार की समस्या है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। आप अपना नाम बताएं। बलविंदर कौर है। बलविंदर जी बताएं कि पलविंदर जी आप बताएं कि अभी क्योंकि कल चुनाव का लास्ट मतलब चुनाव प्रचार का लास्ट दिन है, 21 तारीख को चुनाव वोट डलने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या माहौल है और आप की अपनी समस्याएं क्या है और उसका
आप जो भावी विधायक है उससे क्या उम्मीद करते हैं? हम ज्ञानचंद गुप्ता जी से यही उम्मीद करते हैं हमारी कॉलोनी को पक्का करा जाए और यहाँ पे जो सड़कें बनाई हैं और भी अच्छी सड़कें करी जाएं। बिजली के बिल हैं, जो बिजली के बिल भी उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। ये सारा काम उन्होंने अच्छा ही किया है। अभी तक जो भी करते हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे थे ना, वो भी मतलब कि अच्छे कटाए हैं। वैसे और भी थोड़ा रह रहा है काम काफ़ी। इससे आपको ये उम्मीद है, हमारे को भी ज्ञानचंद गुप्ता जी आना चाहिए दोबारा। आप क्या अपेक्षा करते हैं इस चुनाव के माहौल में? आप क्या देख रहे हैं आने वाले विधायक से, क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं? देखिए, मौजूदा विधायक की अध्यक्षता में चहुमुखी विकास हुआ है पूरे प्रदेश में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में। ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड एरिया में, फिर भी समय कुछ कम होने की वजह से कुछ अपेक्षाएं रह जाती हैं। और हमारा ये सोचना है कि आने वाले समय में उनको एक मौका दे करके उन सबको पूरा करने का एक वक्त दिया जाना चाहिए। जैसे कि पहली गवर्नमेंट्स रही हैं या जब जो भी रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जितना उनको समय दिया गया उन्होंने उसने उससे कहीं कम समय में काफ़ी अच्छा करने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं उससे अच्छा होगा। ये थे यहाँ डॉक्टर साहब हमारे, जिन्होंने बताया कि ज्ञानचंद गुप्ता जी ने यहाँ पर अच्छा काम किया है। अब हमारे साथ कुछ दुकानदार और जुड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप अपना नाम बताएं। राजकुमार जैन। राजकुमार जैन जी, अभी हरियाणा में चुनाव चल रहा है और पंचकुला विधानसभा में क्या माहौल है, इसके बारे में जानकारी दें। ऐसा है जी, जो जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ इस टाइम, इस क्षेत्र का मतदाता स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर जी, वो हर व्यक्ति का बारे में सोचते हैं, हर व्यक्ति के बारे में जानते हैं और उनकी जो योजनाएं हैं वो इस तरह की हैं, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, ये सारी व्यवस्थाएं वो कर पा रहे हैं। और अगर उनको 5 साल का टाइम और मिलता है तो बहुत सी समस्याएं तो समस्याएं ही नहीं रहेंगी, ये लोगों की सोच है। अभी जो यहाँ से विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और उनसे क्या अपेक्षाएं करते हैं आप? ज्ञानचंद जी सही मायने में तो सेक्टर 17 के ही निवासी है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे अपने ही सेक्टर के निवासी हैं। और रही अपेक्षाओं की बात, तो वो सवेरे रोज़ दरबार लगता है और जिन जिन अधिकारियों के लिए कोई काम के लिए जाता है उन बंदों को वो संतुष्ट करा के भेजते हैं। यही यहाँ जो है लोग मेरे पास जो आते हैं या हम, तो ये कहते हैं कि ज्ञान जी का व्यवहार बड़ा मधुभाषी है और मधुभाषी व्यवहार होने की वजह से अगर लोग थोड़े से अपेक्षित भी कोई होगा अपने आप में तो वो मधुभाषी होने की वजह से वो ज्ञान जी के साथ जुड़ा हुआ है। अभी जैसे कुछ लोगों का कहना था कि राजीव कॉलोनी के अंदर नशे का जो है वो ग्राफ बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है और युवाओं को रोज़गार की बात, उसमें इन विषय पे आपका क्या कहना है? जहाँ तक तो है रोज़गार की बात, ये यहाँ जो भी युवक हैं कौशल विकास में जा रहे हैं, मजदूरी वो ठीक कर रहे हैं, जो कम शिक्षित लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं उन्हें हरियाणा सरकार की नौकरियों में मेरिट के आधार पर नौकरियां भी मिली हैं कुछ लोगों को। क्या नशा कोई समस्या है राजीव कॉलोनी के लिए? नशा समस्या तो है, इसमें कोई दोराय नहीं, समस्या नहीं है, समस्या है, प्रशासन को सख्त होना चाहिए इसके बारे में। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? नशा को तो यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग करप्शन बढ़ रहा है यहाँ राजीव कॉलोनी का। क्या इससे आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप युवा हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ख़राब हो रही है नशे से, इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जहाँ जहाँ भी कोई नशे की ऐसी कोई बात है उसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर, इस पर नशा के पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे युवाओं का बहुत मनोबल टूट रहा है लोगों का इससे। अभी हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, मैं उसे जानना चाहूँगा कि जैसे चाहे शिक्षा का मामला है, चिकित्सा का मामला है, क्या इस बारे में हमारे जो युवा साथी हैं क्या कहना चाहते हैं, इस बारे में अपने युवाओं से जानना चाहते हैं? जी देखो, पहले तो मैं शिक्षा के ऊपर बात करना चाहूँगा। जो शिक्षा है
हमारे शहर में जहाँ पे हम चंडीगढ़ में रहते हैं अभी इसका स्तर काफ़ी डाउन होता जा रहा है, जैसे कि उनकी फीस वगैरह काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं स्कूलों में और कॉलेजों में बढ़ती जा रही है फीस, लेकिन जो हमारी सरकार है बीजेपी सरकार कोई ध्यान नहीं देती इस पर। जो हमारे यहाँ की जो सांसद है पंचकुला के चुनाव जो हमारे यहाँ के सीएम है खट्टर साहब, वो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारी पहली सरकार थी भी कांग्रेस की, वो फिर भी उससे काफ़ी ठीक थी। ये है हमारे युवा साथी जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है और सरकार को चाहिए कि स्कूलों में जो शिक्षा है उसमें सुधार हो और फीस को कम से कम किया जाए ताकि आम आदमियों को आम व्यक्ति को पढ़ने में दिक्कत ना हो। हमारे साथ हमारे एक युवा साथी हैं, पहले तो मैं चाहूँगा कि वो अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम अरहम जैन। अरहम जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज का जो शिक्षा स्तर है वो सही है या उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है? देखो, सुधार की आवश्यकता तो हमेशा से रही है क्योंकि शिक्षा जो है हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। मेरा ये कहना है कि हर एक व्यक्ति तक शिक्षा पूर्ण रूप से पहुंच सके, जो छोटे से छोटा बच्चा है उसे मूलभूत शिक्षा प्रदान की जा सके। ताकि इसी संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि छोटी से छोटी जो हमारे क्षेत्र में कॉलोनियाँ हैं, गाँव हैं, वहाँ पर एक पूर्ण रूप से सर्वे किया जाए। बस सर्वे में ये चेक किया जाए कि कितने ऐसे हमारे पास यहाँ पर ऐसे बालक नौजवान साथी हैं जो बिल्कुल शिक्षा को आज तक भी शिक्षित बिल्कुल मूल रूप से बिल्कुल शिक्षित नहीं हो सके हैं। वह उन्हें शिक्षा के स्तर के बारे में उन्हें जागरूक किया जाए, शिक्षा समझाई जाए क्या शिक्षा की क्या ज़रूरत है हमें, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। वह हमारे जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वे प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों को सही मायने में एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए। वहाँ पर हर एक वर्ग का व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में अपना योगदान दे, यही मैं कहना चाहता हूँ। सरकार एक और जहाँ बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है, फ्री में फीस भी कोई फीस चार्ज नहीं कर रही, ड्रेस भी दे रही है, बुक्स भी दे रही है, उसके बावजूद आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार सभी तक पहुंच नहीं पा रही है? सरकार सभी तक पहुंच नहीं पा रही है, इसके काफ़ी कारण हैं। कहीं आदमी खुद शिक्षित ना होने की वजह से ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी शुरुआत से ही काम में लग जाए, इस वजह से वो शिक्षा को नहीं जान पाता क्या शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा की क्या ज़रूरत है हमें। अभी 21 तारीख को वोट डलने जा रही है, हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप ये बताएं कि पंचकुला में आप रहते हैं तो आप क्या अपेक्षा करते हैं अपने नेताओं से और यहाँ पे क्या माहौल है? पंचकुला में सर बहुत बढ़िया माहौल है और हरियाणा में भी हमारा बहुत बढ़िया माहौल है। और हरियाणा की 10 सीटें पिछली बार आई थी हमारी, इस बार भी पूरी उम्मीद है कि हमारी 10 सीटें आनी है हरियाणा में। और मोदी सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है देश के लिए। आप कोई ऐसे दो चार काम जो यहाँ के विधायक ने आपके एरिया में किए उसके बारे में बताना चाहेंगे? सर 1,80,00,000 का भी टेंडर पास हुआ है, जो दोनों कॉलोनियों की सारी गलियाँ पक्की शुरू हो चुकी हैं, सारी गलियाँ शुरू हो चुकी हैं एक तरफ से, काम बनने के लिए चालू हुआ। और भी काम, और ये जो 2 साल और आ रहे हैं आगे, इनके अंदर 2 मरले के फ्लैट हमें मिल जाएंगे कॉलोनी वालों को। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग भावी विधायक से संतुष्ट हैं? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया काम कर रही है बीजेपी सरकार और ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं पंचकुला में। सारी गलियाँ बननी चालू हो चुकी हैं और उन्होंने वादा करा भी फ्लैट भी बनने चालू हो चुके हैं 20 सेक्टर और 28 सेक्टर में, 2 मरले के दो कमरे का सेट है और राशन भी पूरे महीने मिल रहा है, कहीं भी ले ले हरियाणा के अंदर कहीं से भी डिपू से। आप युवा भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पंचकुला का जो चुनाव अंतिम पड़ाव में है, आने वाले 2-3 दिन में वोट डलने जा रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपका अपना क्या इसके बारे में सुझाव है?
देखिए जी, वोट देना तो हक है, किंतु हमारी जब से हमने सोधी संभाली है तब से हम तो यही देख रहे हैं, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। कोई भी नेता आता है, प्रचार करता है और जीतने के बाद यहाँ पे नज़र नहीं आता। अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी ने एक महीना पहले इस कॉलोनी की गलियों को पक्का कराने का कार्य शुरू कराया है। अब ये कह सकते हैं कि वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने ये कार्य शुरू कराया है, किंतु हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आके एक बारी जन समस्याओं को सुनना चाहिए और उनका निपटारा अवश्य करना चाहिए। एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के भाई चंद्रमोहन जी जो चार बार यहाँ से विधायक और डिप्टी मेयर रहे, डिप्टी सीएम रहे हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इनेलो और दूसरी पार्टियों के भी लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको इनमें सर्वश्रेष्ठ ऐसा कौन सा नेता लगता है जो आपके लिए विकास कर सकता है, आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है? जी, हम मेरी तरफ से ज्ञानचंद गुप्ता जी अच्छे नेता हैं, किंतु हम यही कहेंगे कि वो थोड़ा सा और अपने आप में प्रोग्रेस करें, अपने उस व्यक्तिगत हमारी कॉलोनी के लिए गति दिखाएं, इसका सुधार करें। बहुत बढ़िया, जय कमल। आप युवा हैं, आप युवा हैं और आपको लगता है कि इस चुनाव में कुछ युवाओं का भी अपना कोई मुद्दा है? है जी, बिल्कुल है। सर्वप्रथम तो नौकरी, गुप्ता जी को बेरोजगारी, मोदी जी को कह लीजिए, मनोहर खट्टर सरकार इस समय है, उनको सबसे ज़्यादा तो सरकारी नौकरियां बढ़ानी चाहिए और लोगों को, युवाओं को रोजगार प्रदान करना चाहिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।